नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना एटीएम का पिन भूल चुके हैं तो आप होंगे टेंशन में। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपना एटीएम का पिन वापस चेंज कर सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगेट करके रीसेट कर सकते हैं, नया पिन वापस बना सकते हैं, वो भी बिना बैंक जाए, बिना एटीएम मशीन में विजिट किए हुए। अगर आपके पास कोई एटीएम मशीन भी नहीं है तो वहां पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं, काम ऑनलाइन घर बैठे बैठे हो जाएगा, वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एटीएम का पिन जनरेट करने के लिए हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में यहाँ पे HDFC बैंक मोबाइल बैंकिंग नाम की एप्लीकेशन, इसको हमें डाउनलोड कर देना है। ये नेट बैंकिंग के लिए भी यूज़फुल है और मोबाइल बैंकिंग के लिए भी यूज़फुल है। और याद रहे, मैं आप सभी को एक फीचर आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको नेट बैंकिंग के लिए या मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर करना नहीं आता है, आपका कस्टमर आई डी पासवर्ड कैसे करना है, तो उसके लिए हमने पहले से एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे। वीडियो कंप्लीट होने के बाद में एंड स्क्रीन में भी लिंक दे देंगे, तो वहाँ के आप जाके सीख सकते हैं सब कुछ। अब हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे एप्लीकेशन। ओपन करने के बाद में अपना कस्टमर आईडी और पासवर्ड डाल के हमें लॉगिन कर देना है। तो चलिए हम लॉगिन कर देते हैं, अभी कर रहे हैं और हम लॉगिन कर चुके हैं सक्सेसफुली। लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पे देखिए तो सारा इंटरफेस है, ओवरव्यू, आपका बैलेंस यहाँ पे मिलेगा, आपका फेवरेट यहाँ पे जो भी एड पे आपने किया होगा वो यहाँ पे मिलेगा। हमें यहाँ पे मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो मेन्यू साइड में आपको सबसे ऊपर वाला दिख रहा है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन है पे का, है सेव का, है इन्वेस्ट है, बोरो है, प्रोफाइल है। हमें यहाँ पे जो पे का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे UPI है और दोस्तों यहाँ पे मनी ट्रांसफर का भी ऑप्शन है, पैसे ट्रांसफर करने का, और दोस्तों यहाँ पे कार्ड्स का ऑप्शन है, रिचार्ज का है, और बहुत सारे ऑप्शन। पर सबसे पहली चीज में एक चीज बता दूं, अगर आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने वीडियो बना रखा है, आप जरूर वॉच कीजिए, हम एंड स्क्रीन में उसका भी लिंक दे देंगे। और यहां पे हमें क्या करना है, कार्ड्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि आप, मैं आपको वापस बता देता हूं, यहां पे जो पे का ऑप्शन मिल रहा है उसके बाद में ये जो कार्ड्स का ऑप्शन मिल रहा है, इसी कार्ड के ऊपर हमें क्लिक करना है। ये कार्ड का ऑप्शन इस तरीके से आएगा और यहां पे डू नॉट हैव क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो यहां पे क्रेडिट कार्ड नहीं आएगा, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका यहां पे आ जाएगा। हमारे पास अभी जनरली डेबिट कार्ड है जो कि सभी के पास होता है, वो जो ATM कार्ड कहते हैं वही डेबिट कार्ड होता है, सेम चीज है, तो उसी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। उसी के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहां पे है, ये हमारे पास है रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड, जिसका नंबर भी यहां पे आ चुका है, यहां पे इसकी लिमिट भी आ चुकी है, डोमेस्टिक लिमिट कितनी है। फिर यहां पे सेट पिन का ऑप्शन मिलेगा, इसी के ऊपर क्लिक करना है। काफी लोग ब्लॉक के ऊपर क्लिक कर देते हैं, वो कभी मत करना वरना आपको नया ATM कार्ड रीइश्यू करवाना पड़ेगा जिसका बहुत बड़ा चार्ज लगता है। फिर यहां पे हमें डेबिट कार्ड के सेट पिन के ऊपर क्लिक करेंगे। सेट पिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पे हमसे पूछा जा रहा है अपना मोबाइल नंबर, जिसको हमें टिक कर देना है, मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर देना है। मोबाइल नंबर सिलेक्ट करने के बाद में हमें अपना ATM का यहाँ पे 4 डिजिट का नया पिन डालना है, जो नया पिन हम सेट करना चाहते हैं यहाँ पे नया पिन डालना है, फिर वही पिन दोबारा डालना है, फिर हम एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, आई एक्सेप्ट, और फिर हम कंफर्म करेंगे। चलिए मैं आपके सामने कर देता हूँ, पिन नया डाल देता हूँ आपका। दोस्तों जो नया पिन आपने डाला तो उसके बाद में हम कंफर्म कर देंगे, कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है, नया पिन 2 बार लिखना है। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और आपको पूरी सहायता की जाएगी। हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं हमारा मोबाइल नंबर सिलेक्ट करने के बाद में। अब वेरीफिकेशन के लिए हमारे पास एक कोड आएगा जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो गया है, तो हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ये पेज लोड हो रहा है और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आप कहाँ पर रहते हैं, कौन से राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर। आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली सेट योर डेबिट कार्ड पिन, मतलब आपका जो डेबिट कार्ड का पिन है नया पिन सेट हो चुका है और आपका पुराना पिन डीएक्टिवेट हो चुका है, मतलब आपका जो भी पिन है वो इमीडिएटली इफेक्टिव है और इमीडिएटली अब आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी समझ नहीं आ रहा आप कमेंट बताइए। आशा करता हूं जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज आप तक पहुंचाई आप सभी के लिए रही है फायदेमंद, इसी बात पर एक लाइक जरूर बनता है। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।